समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी। मैंने मारुति वैन सेकंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके नहीं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। सुमना जी नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, आदरणीय मान्य सर को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रधानमंत्री जी को और मेरे 1,03,000 दीदी समूह की दीदियों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत नमस्कार। कितने 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 दीदी समूह? 1,00,000 दीदी हमारे आजीविका मिशन में 1,03,000 दीदियां जुड़ी हैं, उनकी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो आप 1,03,000 दीदी की लीडर हैं? नहीं सर, मगर हमारे जिले में है, समूह में है, हम सब संगठन में है एक। अच्छा रुमिना जी, पहले अपने विषय में बताइए, आप क्या करती हैं, कैसे इस काम से जुड़ गई आप? सर मैं जब समूह से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी और जब मैं 2017 में समूह से जुड़ी, जब मैंने एक लोन लिया, हमारे समूह से ही मैंने लोन लिया 5,000 का, और 5,000 का लोन लेकर मैं कपड़े लेके न आई और कपड़े लेके मैं अपने गांव में ही बेचने लगी और मेरे घर से ही कपड़े बिकने लगे। जब मैं धीरे धीरे और ज्यादा मेरी आय बढ़ती गई तो मैं और भी माल लेके न आती गई। जब मेरा काफी बढ़ गया, 2-3, 3-4 महीने हो गए, जब मेरे घर वाले और मेरे पति ने निर्णय लिया कि क्यों ना अपन अब, क्योंकि मोटरसाइकिल से साइकिल से माल नहीं बेच पा रही थी मैं, तो मैंने मारुति वैन सेकंड हैंड मारुति वैन खरीदी। मारुति वैन लाई आप? जी सर, मारुति वैन लेके नहीं। मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है और आपके पास मारुति वैन है। जी सर, और उसको फिर मैं लेके न गांव बेचने जाती थी तो मेरा और भी आय बढ़ने लग गई। तो फिर मैंने देवास में दुकान ले ली, क्या दुकान खोल ली मैंने कपड़े की, और उसके बाद में फिर मुझे जिले से इसका गणवेश का भी काम मिला तो मैंने गणवेश भी सिलाई करी, और फिर हमें उपार्जन का भी काम मिला, हमने उपार्जन का भी काम करा, उससे मेरी आय अच्छी बढ़ती गई। और उसके बाद में फिर अचानक कोरोना काल आ गया, तो कोरोना काल में एकदम हमें खबर मिली जिले से कि तुमको सैनिटाइजर मास्क और अपने पीपी किट में ये बनाना है, क्या दीदियों तैयार हैं? तो कुछ दीदियां पहले तो डरने लगी कि पपन बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे जाएंगे, मगर फिर हमने निर्णय लिया सभी समूह की दीदियों ने कि क्यों ना हम जब देश अपना इतना मुश्किल में है, इतना खतरे में है, तो अपन क्यों ना बाहर निकले। इसलिए हमने मास्क बनाए सभी दीदियों ने, मेरे देवास जिले की दीदियों ने मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाया और पीपी किट बनाया, और उसके बाद में हम सब दूर जाके देने भी लगे। उससे मेरी दीदियों, उनको एक तो अपने देश की सेवा करने का मौका मिला, और उसके बाद में एक हमारे जो देश में जो कोरोना काल की वजह से जो दीदियां आफत में थी उनको एक आय मिली, उनको एक कमाने का साधन मिला। कितनी कमाई हुई होगी रुबिना जी? सर मेरी दीदियों ने, एक एक दीदी ने 60-70 हजार के मास्क और पीपी किट नहीं बनाए। मैंने 60-70 हजार रुपये? जी सर। अच्छा रुबिना जी, आपने जी तो क्लस्टर रिसोर्स पर्सन यानी सीआरपी रूप में भी काम किया है, उसमें आपके अनुभव क्या है? जी सर, मैं गांव-गांव जाने लगी, पहले गांव में जाके दीदियों को जागरूक करने लगी और दीदियों को समझाने लगी कि भाई जो अपन समूह से जुड़ेंगे तो अपन को अपनी सरकारी योजना उनका भी फायदा मिलेगा। पहले क्या है कि दीदियों को कुछ योजनाओं का फायदा नहीं पता था, मगर जब हम समूह से आजीविका मिशन से जुड़े तो हमें समूह का और आज जो सरकारी योजना चल रही है उनका हमें पता चला और उसका हम फायदा दीदियों लेने लगी। तो कुछ तो दीदियां ऐसे भी समूह बनाए कि भाई हमें सरकारी योजना का फायदा मिलेगा, इसलिए मैंने समूह बनाए। मेरे हमारे संकुल संगठन में 40 गाँव है, 40 गाँव में ही। मध्य प्रदेश के देवास के ग्राम जामगोद में कार्यक्रम आयोजित है, और अगर हम बात करें गुर्जर बापचा एक छोटे से गांव की महिला रुबिना भी, तो उनसे वर्चुअली लाइव जुड़कर अभी संवाद किया है पीएम मोदी ने। क्या सवाल हुए, क्या जवाब हुए और क्या उनका कहना है, रुबिना भी इस वक्त हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। ये बताइए रुबिना भी, आपने अभी पीएम मोदी जी से बात की, मध्य प्रदेश में एक आपको चुना कहीं ना कहीं देवास जिले की एक, क्या आपको कैसा लगा और क्या आपका कहना है मोदी जी से बात करने के बाद? क्योंकि हमने देखा जब आप बात कर रही थी, जब आप काफ़ी खुश थी और बड़े ही सही तरीके से आपने जवाब भी दिए, क्या कहना आप?
सर पहले तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी से हमारे आने की बात हुई। ऐसा बहुत मुश्किल से जो किस्मत वाला रहता है उसको ये चांस मिलते होंगे, मगर हम आजीविका मिशन से जुड़े तो आज आजीविका मिशन ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है कि हम उनसे बात कर सकें और मैं बहुत खुश हूँ। क्या क्या लगता है, आपने बताया 2017 से आप जुड़ी, उसके पहले आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी ख़राब थी और आज आपने माइक पे भी बोला और हमको लोगों को भी बताया कि आज बहुत सक्षम, कैसे आपका जो है बदलाव हुआ? सर मैं 2017 से जब समूह में से नहीं जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी और मजदूरी के बाद में जब 2017 से जुड़ी तो मैंने समूह बनाए, हमने समूह बनाने के बाद में मैंने एक छोटा सा ऋण लिया और ऋण लेकर मैं अपने गांव में ही कपड़े बेचने लगी और कपड़े बेचने के बाद में जैसे 2-3 महीने हो गए तो मेरा माल भी बढ़ गया और मेरी आय भी बढ़ने लग गई। तो मैंने एक सेकेंड हैंड मारुति वैन खरीदी और उस मारुति वैन को शॉप बनाकर मैं गांव-गांव जाके बेचने लगी और वहाँ पर से मैंने जो मुझे इनकम होने लगी मेरा ऐसा ज़्यादा हो गई तो फिर मैंने देवास में भी दुकान ले ली कपड़े की और उससे मेरी आय बढ़ी। तो मैंने हमें ज़िले से भी हमें आय का मौका मिलने लगा कि भाई हमने गणवेश का भी काम करा, गणवेश भी सी हमने स्कूलों की और हमें उपार्जन का भी काम मिला तो हमने उसमें से भी हमने हमको दीदियों को 10 से 15 हज़ार रुपये की आय बढ़ी हमारी और ऐसे छोटे छोटे कार हमें मिलते गए। हमें आंध्र प्रदेश भी ट्रेनिंग के लिए पहुंचाया गया तो हम आंध्र प्रदेश भी गए और उसके बाद में जैसे सीआरपी का रूप में भी मेरे को सीआरपी के रूप में भी मैं गांव-गांव जाने लगी, सीआरपी वहाँ जाके समूह बनाने लगी और समूह बनाने के बाद में सरकारी योजना से उन दीदियों को मैं बताने लगी कि दीदी सरकारी योजना का क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, ऐसे हम काम करने लगे। तो आज मैं इस मकाम पे हूँ कि आज एक टवेरा की मालकिन भी हूँ मैं और मेरी दुकान भी है और आज अच्छे 15 से 20 हज़ार रुपये मैं कमा भी लेती हूँ। रुबीना जी ये बताइए, आपने अभी बात की पीएम मोदी जी से और वर्चुअली लाइव जुड़ के काफ़ी अच्छा आपको लगा, आपके चेहरे से भी खुशी लग रही, क्या लगता है भविष्य में आप आपकी बहनों के साथ जाके और पीएम मोदी से मिलना चाहेंगे और क्या कहना आपका? बिल्कुल अगर मौका मिला तो बिल्कुल पीएम साहब से हम जरूर हम दीदियाँ मिलने के लिए जाएंगी और बहुत गर्व महसूस करेंगी कि आज हमें इतना मौका मिला। तो ये थी हमारे साथ स्व सहायता समूह की एक हितग्राही रुबीना भी, जिनसे कुछ देर पहले ही वर्चुअली लाइव जुड़कर पीएम मोदी ने बात की है और काफ़ी खुश जो है रुबीना भी नज़र आ रही है। उनका साफ तौर पर अब ये भी कहना है कि वर्चुअली तो बात कर ली है लेकिन अपनी दीदियों के साथ उनको मौका मिला तो पीएम मोदी से जाकर मिलेंगे और उनसे रूबरू मुलाकात करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए इस वक्त देवास से सीधे में एहतशाम कुरैशी।